नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे जुनून और मैं साक्षी पटवाल आप सभी का स्वागत करती हूं। फरुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है, जहां पर महिला ने ब्याजखोरों से परेशान होकर मकान व दुकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। ये मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के लोकमान्य गंगा दरवाजा निवासी का है, जहाँ महिला ने मकान व दुकान बिकाऊ के पोस्टर लगवाए हैं। साथ ही सीएम को पत्र भेजकर परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल परिवार ने व्यापार के लिए सूदखोरों से 13 लाख रुपए लिए थे और सूदखोरों को ब्याज सहित रुपए लौटा चुके हैं, लेकिन सूदखोरों ने दबंगाई के बल पर घर में घुसकर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने का दबदबा बनाया है। जब पीड़ित परिवार ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो उनके व उनके परिवार के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है। अच्छा, क्या समस्या है जो आप मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हुए हैं? क्या करें, क्या समस्या है? कैसा मकान दुकान पे से हमारे निपटा, साइन करो। कौन लोग हैं? गुप्ता ही लोग हैं। क्या नाम है उनके? अनु भाई और आए 2-3 लोग। लालू भाई तो ऐसे बेटू अगले सब काम नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या तुम्हारा उनसे लेन देन था कोई? जी, तम्बाकू के लिए पैसा थोड़ा लाओ तो। कितना लिया था? उसमें घाटा लग गया। 5 साल के ब्याज लगा रहे हैं। ब्याज लगा रहे रुपया कई गुना था, ब्याज ले चुके। हम जो कह रहे हैं पैसा ना दे, ब्याज देते रहो। अब हम पर ना तो कहाँ से ब्याज पहुँच चुको। अब हमारी लड़की नहीं सिखानी सिखानी। अच्छा, घटना क्या करी उन्होंने सर? आज अचानक आए, हम ऊपर बैठे थे, आए के बाद साइन करो, मकान लिखो, साइन करो, दुकान मकान दो, हमें चाहिए मेरा पैसा दो। हमने अब हम बनाए धीरे धीरे, हम किस्त बांध दे हम दिए, तो कह रहे हैं तुम ब्याज देते रहो। तो ब्याज को ना तुम कहाँ से ब्याज? पैसा कितना लिया था आपने? 10 लाख ऐसे थे, 10 लाख रुपये पर धीरे धीरे करे, कहीं कह रहे हैं कि 40। कितना आप दे चुकी हैं? बहुत दे चुके हैं, 5 साल से दे चुके हैं, बहुत दे चुके हैं। तो आज लिखा पढ़ी करो, साइन करो, मना करिए। हम जब बताओ हम साइन करके कहाँ जाएंगे? ये थे फारुखाबाद से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। इसी तरीके की और जानकारी के लिए बने रहे टुडे जुनून के साथ। नमस्कार।